तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मुहिम को झटका लग गया है। सत्तारूढ़ AIADMK के 19 विधायकों ने मुख्यमंत्री पलानीसामी से समर्थन वापस ले लिया है। टीटीवी दिनाकरण के समर्थक इन विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। इधर AIADMK के पलानीसामी और पनीर सेल्वम गुट मिलकर शशिकला और टीटीवी दिनाकरन को पार्टी से बाहर करने की प्लानिंग ही कर रहे थे। उधर दिनाकरन ने 19 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। यस्टरडे वी मेट प्रेस एंड टोल्ड द नाइसली इज अ वेरी बोल्डली रिएक्टेड आवर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी मिस्टर टीटीवी दिनाकरन एज पर our deputy secretary direction that all the 19 MLAs met excellency governor and submitted the letter. These things has happened this morning. If no motion confidence already I think announced by the Stalin from DMK party, we will wait and see that our deputy general secretary will take decision later what we want to do. दिनाकरन का दावा है कि उनके साथ पार्टी के 22 विधायक हैं। दिनाकरन ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। इन 22 विधायकों के बगावती तेवर से राज्य सरकार के ऊपर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में इस वक्त AIADMK के 135 विधायक हैं। अगर दिनाकरन समर्थक 22 विधायक को निकाल दें तो AIADMK के दोनों गुटों के पास सिर्फ 113 विधायक रह जाएंगे और सरकार चलाने के लिए कम से कम 117 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। विपक्षी डीएमके के नेता स्टालिन ने भी राज्यपाल से शक्ति परीक्षण कराने की मांग की है और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी और अमित शाह के मिशन तमिलनाडु को झटका लग सकता है। अमित शाह AIADMK के दोनों गुटों के विलय में सूत्रधार रहे हैं। अमित शाह चाहते हैं कि तमिलनाडु भी उन राज्यों में शुमार हो जाए जहाँ बीजेपी या उसके समर्थन से सरकार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।